माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एक लेन फंक्शन यूज होता है, बिल्कुल एक्सेल के ही जैसे ये भी है। तो आइए समझते हैं ये लेन फंक्शन वर्क कैसे करेगा और कैसे इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेस ओपन किया है, यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉई है। अब एम्प्लॉई के नेम में कितने कैरेक्टर्स आए हैं विथ स्पेस ये पता करना है, तो हम एक क्वेरी लगाएंगे। कैसे क्वेरी लगाएंगे आइए दिखाता हूँ। क्रिएट पे चलेंगे और फिर यहाँ से क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पर इसे ऐड करवा लेंगे और इन दोनों फील्ड्स को ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों फील्ड्स को ले सकते हैं, या अगर आपको नेम ऑफ एम्प्लॉई की ही जरूरत है तो आप सीधा नेम ऑफ एम्प्लॉई ही ले सकते हैं। तो फिलहाल हम दोनों ही फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, और करेंगे क्या, यहाँ पर एक क्वेरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वेरी कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। इसे ब्यूट पे यहाँ से लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेंथ, LENGTH लेंथ लिख दिया, कॉलन लगाएंगे, ये फील्ड नेम मैंने दे दिया। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूला क्या यूज होगा उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ देखिए फंक्शंस दिए हुए हैं और बिल्ट इन फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन, लेन फंक्शन। तो एल प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लेन आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे LEN लेन। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर लेंथ दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय देना है, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय, EMPL वो ये एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करके इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से रन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लेंथ बताएगा आपको, देखिए यहाँ पे ये लेंथ बता रहा है कि ये तीन कैरेक्टर का है नेम ऑफ एम्प्लॉय। देखिए राम जो है तीन ही कैरेक्टर का है ना, लेकिन क्या होगा अगर बीच में हम गैप दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गैप दे रहा हूँ, एक गैप दिया और नीचे आए तो ये देखिए फोर कैरेक्टर हो गया, यानी गैप भी काउंट करेगा ये, याद रखिएगा ये गैप भी काउंट करेगा। और देखिए उसी के हिसाब से सारे आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई नाम आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक नाम लिखा अमरनाथ, अब ये देखिए एक नाम है तो इसमें एट कैरेक्टर है, कैसे है एट, तो ये काउंट कीजिए टी, एक ये दो ये तीन ये चार ये पांच ये छह ये सात ये आठ, आठ कैरेक्टर हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से लेन फंक्शन काम करता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।